करते हो तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसी के ऊपर डायवर्ट होता है एंड वी गिव यू अ डिप्रेशन और हम उसी का सुनते हैं सामने वाले का। तो ये हिप्नोटिज्म का वर्ड आपने सुना है टीवी सीरियल्स में वगैरह देखा है, तो ये उस तरीके से हिप्नोटिक नहीं है, हिप्नोटिक थोड़ा डिफरेंट है, वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज अ सिडेटिव। सिडेटिव में आपको एक वर्ड आएगा सिडेट्स, मतलब नींद आना, यस है ना, या नींद जैसे फील होना, तो वही हमको आज पढ़ना है। दिस चैप्टर इज अगेन कैटेगराइज इन द सेम एज डिप्रेशन, मतलब पर्टिकुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने वाले जो मेडिसिन है दैट इज द सिडेटिव एंड हिप्नोटिक। एमएसबीटी पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स की क्वेश्चनिंग आती है। द क्वेश्चनिंग इज वेरी सिंपल, दैट इज अ डिफाइन एंड क्लासीफाई हिप्नोटिक एंड सिडेटिव। या डायरेक्टली ये डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आता है हिप्नोटिक एंड सिडेटिव। फिर हम इसमें कुछ ड्रग पढ़ने वाले हैं जिसमें फिनोबारबिटोन एंड ब्यूटाथियोन आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग ड्रग फॉर द हिप्नोटिक एक्शन, ठीक है, तो वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर हिप्नोटिक एंड सिडेटिव कहाँ पे यूज करते हैं, तो साइकिक पर्सन में यूज ही करते हैं, साइकेट्रिक्स यूज करते हैं, देन एंजाइटी होती है तब, देन अगर आपका अलर्टनेस नहीं है उस कंडीशन में भी यहाँ पे हिप्नोटिक एंड सिडेटिव यूज किए जाते हैं, देन एपिलेप्सी में यूज किए जाते हैं, तो ये एंटीसिडेटर हिप्नोटिक इसमें आप यूजेस लिख सकते हो। साथ में जनरल एनेस्थेटिक की जो एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए भी सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये है हिप्नोटिक एंड सिडेटिव। हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन हिप्नोटिक की, द ड्रग व्हिच डिप्रेसेस सीएनएस, यस हमने अभी पढ़ा कि क्या करते हैं सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, एंड प्रोड्यूस स्लीप रिजेंबलिंग द नेचुरल स्लीप इन अ नॉर्मल डोज। वो क्या करता है, स्लीप भी प्रोड्यूस करता है, रिजेंबलिंग नेचुरल स्लीप मतलब जैसे आपको नॉर्मली नींद आती है वैसे ही नींद वो रिड्यूस करता है इन अ नॉर्मल डोज में, तो वो है हमारा हिप्नोटिक। और एग्जाम्पल इज द फिनोबारबिटोन। सेकंड सिडेटिव की क्या डेफिनेशन है, तो अगेन दीज आर द सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग, ये भी सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग ही है, बट डू नॉट इंड्यूस द स्लीप इन अ नॉर्मल डोज। ये जो सिडेटिव है वो इंड्यूस नहीं करते, स्लीप को इंड्यूस नहीं करते, बट काम्स द नर्व, जो आपके नर्वस सिस्टम है उसको वो शांत करते हैं, कंट्रोल में लाते हैं, जो एक्साइटेशन स्टेट में है उसको शांत करता है। तो दैट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन हिप्नोटिक एंड सिडेटिव। ये जो डिफरेंस है वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव मतलब अगर आप हिप्नोटिक नॉर्मल डोज में देते हो तो भी सिडेशन का एक्शन आता है, ठीक है, बट सिडेटिव उनको हायर डोज में देना पड़ेगा तब जाके हिप्नोटिक इफेक्ट आएगा। काबुली मैंने कि हिप्नोटिक हम क्या करेंगे स्मॉलर डोज में देंगे तभी हमको सिडेशन जैसा, कामनेस जैसा, सीएनएस डिप्रेशन जैसा लगेगा, लेकिन जब सिडेटिव हम नॉर्मल डोज में दे रहे हैं तो नींद आ रही क्या, इट डू नॉट इंड्यूस स्लीप, बट इसको अगर हायर डोज में देंगे तो क्या होगा, हमको नींद जैसे फील होगा, मतलब इट एक्ट लाइक अ हिप्नोटिक। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्वालिटेटिव उसमें डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, ओके। देन ये जो हिप्नोटिक एंड सिडेटिव है उसमें बारबिट्यूरेट्स, ये दोनों में कॉमन है, देखो फिनोबारबिटोन एंड ब्यूटोबारबिटोन, ठीक है। तो सबसे पहले जो डिराइव हुआ था तो बारबिट्यूरेट डिराइव हुआ था जो सीनियर डिप्रेशन एक्टिविटी शो करता है, बट ये जो बारबिट्यूरेट जरूरी होती है वो डिपेंडेंसी शो करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस शो करते हैं, वो डिप्रेशन उससे हैबिचुअल हो जाते हैं, इसीलिए बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव लाइक डायजेपाम, बेंजोडाइजेपिन, लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, ये डेरिवेटिव बाद में मार्केट में आए और वो ड्रग देना ज्यादा तौर पर शुरू हुआ है, ठीक है। तो इतना सा सिंपल सा डेफिनेशन है। देन हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, अगेन क्लासिफिकेशन हैविंग टू मेजर क्लासेस, फर्स्ट इज द बारबिट्यूरेट्स एंड सेकंड इज द नॉन बारबिट्यूरेट्स। तो अभी मैंने आपको बोला कि बारबिट्यूरेट्स इंपोर्टेंट सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो बारबिट्यूरेट में भी चार डिफरेंट कैटेगरीज है। फर्स्ट इज द लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स, लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स मतलब जो ड्रग का इफेक्ट 6 and more hours रहता है, तो वो है लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स, यहाँ पे लिखा है मैंने, उसको एग्जाम्पल है फिनोबार। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग बारबिट्यूरेट, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 3 to 6 hours, 3 to 6 hours में वो अपनी इफेक्ट को शुरू में शो करेगा, दैट इज द एग्जाम्पल इज द ब्यूटोबारबिटोन। नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स मतलब लेस देन 3 आवर्स तक उसका इफेक्ट रहेगा, दैट इज द साइक्लोबारबिटोन। एंड नेक्स्ट क्लास इज द अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट, जिसका जो इफेक्टिवनेस रहेगा वो 1/2 and 1 hour तक रहेगा, इसको इंट्रावेनसली दिया जाएगा फास्ट एक्शन के लिए, ये शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट यूज किए जाते हैं एंड विद इन 1 hour उसका इफेक्ट चला जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल है मिथोएक्सिनोन सोडियम एंड थायोपेंटोल सोडियम, तो ऐसे चार क्लासेस। नेक्स्ट क्लास इज द नॉन बारबिट्यूरेट्स, हमने अभी जो क्लासेस पढ़े हैं वो बारबिट्यूरेट्स के पढ़े हैं, देन बारबिट्यूरेट डेरिवेटिव नहीं है, ये क्या है, तो ये 6 member ड्रिंक है, 6 member ड्रिंक क्योंकि ऑलरेडी हमको सीनियस ड्रग चाहिए,
डायजेपाम, नाइट्राजेपाम, लोराजेपाम, ये सभी जो ड्रग है वो पोटेंट सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स है। नेक्स्ट इज द साइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन है, उसमें है ग्लूटेथिमाइड, एक्चुअली ये पाइरिडीन का है, पाइरिडीन या पाइरिडीन न्यूक्लियस से ग्लूटेथिमाइड का स्ट्रक्चर बना है। नेक्स्ट इज द असाइक्लिक नाइट्रोजन, असाइक्लिक मतलब यहाँ पे साइक्लिक चेन नहीं रहेगी, चेन फॉर्म में रहेगा नाइट्रोजन, तो वो है मिप्रोबामेट, मिप्रोबामेट का एक ड्रग। नेक्स्ट इज अल्कोहल एंड डेरिवेटिव, यस अल्कोहल में सम ऑफ द एनास्टेटिक प्रॉपर्टी रहती है, प्राइमरी लोकल इस पे हम उसको यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ट्राइक्लोफोस सोडियम जो अल्कोहल डेरिवेटिव है वो भी हिप्नोटिक एंड सिडेशन प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड डेरिवेटिव में पैराल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड में लोकल एनास्टेटिक एक्टिविटी है, तो पैराल्डिहाइड उसको भी ड्रग इसमें सेडेटिव में आता है। एंड लास्ट इज द मिसलेनियस, मिसलेनियस में है डायफिनाइल हाइड्रामाइड, डायफिनाइल हाइड्रामाइड एक्चुअली ये जो ड्रग है वो कब सिरप में यूज किया जाता है, ठीक है, ये हिस्टामिन के इनिबिशन रिलीज के इनिबिशन में यूज हो रहा है, लेकिन इसमें भी सम ऑफ द लोकल एनास्थेटिक प्रॉपर्टी इसलिए इसको इसमें यूज किया है। तो जैसे जो हम बोलते हैं ना कफ सिरप पीने के बाद हमको नींद आती है, क्यों आती है, क्योंकि इसमें सिडेशन प्रॉपर्टी रहती है, वो सिडेशन प्रॉपर्टी डायफिनाइल हाइड्रामाइड में है, इसलिए इसको ये चैप्टर में भी मिसलेनियस में कैटेगराइज किया है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, तो डेफिनेशन इज द हिप्नोटिक, दीज आर द सीरियस डिप्रेशन ड्रग है, बट क्या करता है, प्रोड्यूस अ स्लीप इन लाइक अ रिदम इन द नेचुरल स्लीप इन अ नॉर्मल डोज में करता है, सेडेटिव इंड्यूस करता है क्या, नहीं, ये भी सीरियस डिप्रेशन है बट डू नॉट इंड्यूस द स्लीप बट इट विल बी काम्स द नॉर्म। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कंटेनिंग टू मेजर क्लासेस, बारबिट्यूरेट्स एंड नॉन बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स में लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट, देन शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, पहले आप मेजर क्लासेस लर्न करना है, फिर आपको एग्जाम्पल। सेम नॉन बायोजेनेटिक्स में बेंजोडाइजेपिन, साइक्लिक नाइट्रोजन, देन असाइक्लिक नाइट्रोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड मिथाइल, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन कवर करना है। ओके, थैंक यू।